लगभग एक महीना पहला जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने पंजाब की सरकार न मिल के जो सिख कौम से हमला किया उन्होंने सानू जिस तरीके घेराबंदी करके सानू गिरफ्तार करने का यत्न किया, क्योंकि जे मैं गिरफ्तारी करनी होंगी तो मैं लगता कि उन्होंने साढ़े घर को सू आ कह देना चाहिए कि जो गिरफ्तारी करनी चाहते हैं तो असी खुशी खुशी जी अपनी गिरफ्तारी पर जो तरीका उन्हें अपनाया उस तो बाद एक महीना लगा तो स्टेट का पूरा चेहरा जो दुनिया सामने नंगा हो गया। तो एक महीने के अनेक ही सिखों के उत्ते जो जुलम किया गया, अन्नेवाह फड़ोफड़ी की गई है, जोड़े सिख नौजवान जोड़े सिखी का दर्द रखते हैं, जोड़े सोशल मीडिया के लिखते बोलते उन्होंने भी हुकूमत ने इस तरीके जो वतीरा किया, चुक चुक के जेलों सुटिया गया। तो यह सारे वर्तारे तो बाद सिख कौम एक भुलेखा जो कौम का दूर हो जाता है, वो भुलेखा यह है भी असं बराबर के शहरी हाँ, अभी संपूर्ण आजाद हैं, कई मन च भुलेखा से जोड़ा इस वर्तारे तो बाद दूर हो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज समूह संगतों को एक खास अपील करनी है, अज 23 अप्रैल जो 2023 है, लगभग एक महीना पहला जो हिंदुस्तान की हुकूमत ने पंजाब की सरकार न मिल के जो सिख कौम से हमला किया, उन्होंने सानू जिस तरीके घेराबंदी करके सानू गिरफ्तार करने का यत्न किया, उस मौके सानू यह लगता नहीं कि गिरफ्तारी है जिहड़े तरीके की रवैया उन्होंने अपनाया, क्योंकि जे मैं गिरफ्तारी करनी होंगी तो मैं लगता कि उन्होंने साढ़े घर तो सानू आ कह देना चाहिए कि असीं गिरफ्तारी करनी चाहते हैं तो असी खुशी खुशी जी अपनी गिरफ्तारी देंगे, पर जो तरीका उन्हें अपनाया उस तो बाद एक महीना लगा तो स्टेट का पूरा चेहरा जो दुनिया सामने नंगा हो गया। दुनिया भर के वसदे सिखां दी जिहड़े दिल ने वो पसीजे गए, तो उन्होंने जी सिख कौम से हमले की अपील महसूस किया, दुनिया भर के प्रोटेस्ट होए, दुनिया भर के सिखां ने रोस मुजहरे किए और उन्होंने रोस मुजहरे सिखां ने जी दिल की भावना प्रगट की। सो एक महीने के अनेक ही सिखां के उत्ते जो जुलम किया गया, अन्नेवाह फड़ोफड़ी की गई है, जोड़े सिख नौजवान जोड़े सिखी का दर्द रखते हैं, जोड़े सोशल मीडिया के लिखते बोलते उन्होंने भी हुकूमत ने इस तरीके जो वतीरा किया, चुक चुक के जेलों सुटिया गया। सो यह सारे वर्तारे तो बाद सिख कौम एक भुलेखा जो कौम का दूर हो जाता है, वो भुलेखा यह है भी असं बराबर के शहरी हाँ, अभी संपूर्ण आजाद हैं, कई मन च भुलेखा से जोड़ा इस वर्तारे तो बाद दूर हो। सो गिरफ्तारी का मैं पहला भी वजन किए कि ना गिरफ्तारी का आपको पहला डर से ना अज गिरफ्तारी का डर है, पर जो किसी स्टेट का चेहरा नंगा होना तो महाराज को बिद बनाते हैं। सो इस करके अज असी यह फैसला किया कि जिते अनेक नौजवान जेलों सुटे गए हैं, बेशक साढ़े को सारे राह आ कि असं इतों निकल के होरना मुल्क भी जा सकी, पर मैं इस तरह का मनुख नहीं कि जो भीड़ पवे तो उदों अपने साथियों छड के किसी होर मुल्क तुरै फिर। सो इस करके मैं फैसला किया कि अज असी गिरफ्तारी देनी है 23 अप्रैल 2023 में उस जगह से गिरफ्तारी देने का फैसला किया जिस जगह तो सारा कुछ शुरू होया, जिस जगह तो मेरी दस्तारबंदी हुई है संत गयानी जरनैल सिंह खालसा पिंडाणा के जन्म स्थान से जो गुरु घर बनया, उस गुरु घर के उत्तों जितों दस्तारबंदी हुई थी, जितों कौम ने इन्ना माण बख्शिया, उस गुरु घर के अज जाके मत्था टेक के सतगुरु सच्चे पातशाह का आशीर्वाद लैके जी गिरफ्तारी देनी है। उस तो बाद मेरी कौम को अपील है भी तुम अरदास बेनती करनी है, संघर्ष में जारी रखना है, तो जिड़ी खंडेबाटी की पहल तो जरा सू रोकया गया है जो प्रचार तो जिस खंडेबाटी की पहल छक के ही आजाद हो सकते हैं, जिस खंडेबाटी की पहल छकन तो बाद ही साढ़े तो मौत का भय मुक्त हो सकता है, जिस तो बाद ही असं नशियां तो जो छुटकारा पा सकते हैं, उस खंडेबाटी की पहल जी है ना छक सकी है। ऐसे माहौल पैदा किए गए खालसा वहीर जिन्हें पंजाब दे विच हजारां ही नौजवानों का नशा छुड़ाया, हजारां घर बचाए, उसनु रोकण दा बहुत जतन सी हुकूमत वालों। सो हुकूमत ने जो कुछ करना सी उन्हें कर लिया, हुण मेरी संगतां नूं अपील है कि आपां इह संघर्ष नूं जारी रखना है, असीं खंडेबाटी दी जिहड़ी पौल है जिहड़ी लहर चलाई है उसनू जारी रखदे हां। नौजवानों नूं मेरी खास अपील है कि तुसीं खंडेबाटी दी पौल छकणी है। अज जिहड़ी गिरफ्तारी दी खबर है वह दुनिया भर विच पहुंच जूगी, संगतां नूं इक बेनती है, चढ़दी कलदी अरदासां करनियां है, अरदास बेनती सतगुरु सच्चे पातशाह यो करनी है भी जो वचन साढ़े कौम नाल होए ने असीं उन्हां वचनां ते पूरे रहीए, सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा सदका ते संगत दी अरदासां सदका अजे तक मन दे विच किसी किस्म का कोई डर कोई भय अजे तक नहीं सतगुरु ने लिया। सो अगे भी इदां चलदा रहे, सतगुरु सच्चे पातशाह की अरदास है,
पूरी कौम ने अपील है कि इकट्ठे होके रहना, आपस इतफाक एकता जी रखनी है, क्योंकि इस मौके से जिथों साडे दुश्मन ने साडे ते एडा वड्डा हल्ला कीता होवे, आपस दे विच खानदानी शुरू करनी चंगी गल नहीं। जिहड़ियां जथेबंदियां ने मेरा सहयोग किया, जिहड़ी जथेबंदियां ने नौजवानों के नाल खड़न दा तहिया किया, उन्होंने जथेबंदियों का तहे दिलों धन्यवाद है जिन्होंने इस मौके से विरोध किया। सतगुरु सच्चे पातशाह उन्होंने समत बख्शन। मेरी नौजवानों को अपील है कि आपस उलझण नालों जे असीं कौम दे इदां दे काम करिए तो वह साडे वास्ते जरूरी है। नशियों तो दूर रह के खंडे बाटे की पौल छक के जे सतगुरु सच्चे पातशाह दे लड़ लगेंगे तां ही सिखी कमाई जा सकती है। सो मेरी नौजवानों को यह अपील है कि जे तुसीं मैनूं प्रेम करते रहो, जे तुसीं चाहुंदे जो कि असीं दुबारा संगतां च विचरीए, सतगुरु सच्चे पातशाह कोई ऐसी पिंड बनाउण, क्योंकि जिहड़े केस हुकूमत ने पाए ने इन्हां दे विच है कुछ नहीं, झूठे केस ने, इन्हां दे पिछे कोई सबूत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, यह सिर्फ साडी वहीर नूं रोकण लई सारा कुछ जतन किया गया। सतगुरु सच्चे पातशाह इन्हां मुश्किलों च कढ के एक दिन ऐसा लियाउणगे जदों संगतां च विचरांगे। सो गुरु साहिब कृपा करन, मेरी इन्हीं बेनती आप से इतफाक बना के रखना, कौम ने मेरी बेनती है, चढ़दी कला च रहना, चढ़दी कला च रहिंदे ही अगले कार्ज करने आ। सो इन्हीं बेनती क्षमा का जाचक जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।